कितने बजे शुरू होगा भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टी20 मुकाबला। दूसरे टी20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया हुई तैयार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे में खेला जाना है। इस मुकाबले के लिए भारत और श्रीलंका पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार दोनों टीमें इस मैदान पर किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी और साथ ही ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सब जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करें तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें भारत और श्रीलंका के बीच हुए पहले टी20 मुकाबले की, तो यहाँ पर भारतीय टीम का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रहा, जहाँ पर भारतीय टीम ने सिर्फ 2 रनों से जीत दर्ज की, वो भी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, जहां पर टीम इंडिया के लिए इतने से रनों को डिपेंड करना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की थी। टीम इंडिया की तरफ से डेब्यू करने वाले शिवम मावी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 सफलताएं प्राप्त की थी, जिन्होंने भारतीय टीम की जीत की दिशा तय की। इसके बाद उमरान मलिक की गेंदबाजी भी काफ़ी घातक रही, जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन देकर 2 सफलताएँ प्राप्त की। तो वहीं पर हर्षल पटेल ने भी कमाल की गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में 2 सफलताएँ प्राप्त की। हालांकि ये थोड़े महंगे साबित जरूर हुए, लेकिन दोस्तों 2 महत्वपूर्ण सफलताएं इन्होंने भी प्राप्त की थी। भारतीय टीम की बल्लेबाजी की हम बात करें तो बल्लेबाजी में टॉप ऑर्डर टीम इंडिया का जरूर उतना कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन दीपक हुड्डा अक्षर पटेल ने कमाल का परफॉर्मेंस किया। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें ईशान किशन की, तो उनके बल्ले से भी रन देखने को मिले, यानी कि भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज ऐसे थे जिन्होंने अच्छी खासी पारियां खेली। हालांकि हार्दिक पांड्या की पारी उतनी तेज नहीं थी, जिसके चलते यहां पर रन थोड़े कम हुए, लेकिन शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन ने टीम इंडिया के लिए निराशाजनक परफॉर्मेंस किया। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये बल्लेबाज शानदार वापसी करेंगे और टीम इंडिया के लिए एक बार फिर कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। हालांकि दोस्तों, भारतीय टीम के लिए सिर्फ 3 बल्लेबाजों ने ही खराब परफॉर्मेंस किया, बाकी सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन गेंदबाजों की हम बात करें तो यहाँ पर गेंदबाजी में तो टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक ही गेंदबाज ऐसा रहा जो काफ़ी महंगा साबित हुआ और उसे सफलताएँ भी नहीं मिली, वो हैं यजवेंद्र चहल, जिन्होंने 2 ओवर गेंदबाजी की और 26 रन खर्च किए और कोई सफलता इन्हें नहीं मिली। बाकी हार्दिक पांड्या ने पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए कमाल किया था। वहीं पर दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करते हैं श्रीलंका की टीम की, तो इनकी टीम के लिए गेंदबाजी तो अच्छी रही, लेकिन दोस्तों बल्लेबाजी में ये टीम मात खाने में यहाँ पर भारतीय टीम से पीछे रह गई। गेंदबाजी में एक गेंदबाज इनका सबसे महंगा साबित हुआ, वो थे रजिता, जिन्होंने 4 ओवर में 47 रन खर्च किए थे। बाकी दिलशान मधुसंका, महेश दीक्षिणा, करुणा रत्ने, धनंजय डिसलवा व वनिंद होसरंगा की गेंदबाजी काफ़ी कमाल की रही थी और भारतीय टीम को 162 रनों पर रोकना इस टीम के लिए बड़ी चुनौती थी। और एक तरह से ये मुकाबला गेंदबाजों ने तो इन्हें जिता दिया था, लेकिन खराब बल्लेबाजी के चलते ही ये टीम मुकाबला हारी। बल्लेबाजी में पुतुम निसंका, धनंजय डिसलवा, चरित्र असलंका, भानुका राजपक्षे ने इस टीम के लिए काफी खराब परफॉर्मेंस किया, जिसके चलते इन्हें मुकाबला हारना पड़ा। लेकिन दोस्तों, वैसे देखा जाए तो टीम के लिए कमाल की बल्लेबाजी की थी दसुन सनका, वनिंद होसरंगा और चमिका करुणा रत्ने ने। इन तीनों खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी ने इस टीम को आखिरी ओवर तक मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन आखिरी ओवर में जरूर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये टीम किन 11 खिलाड़ियों के साथ अगले मुकाबले में मैदान पर उतरने वाली है। तो दोस्तों, अगले मुकाबले में ज़्यादा कोई बदलाव श्रीलंका की टीम करने वाली है नहीं, और जिस प्लेइंग 11 के साथ पहला मुकाबला खेली थी उसी प्लेइंग 11 के साथ दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया के सामने उतरने वाली है ये टीम। वहीं पर दोस्तों, अब हम बात करते हैं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो टीम इंडिया भी ज़्यादा किसी बड़े बदलाव के साथ मैदान पर उतरने वाली है। ईशान किशन और शुभमन गिल एक बार फिर टीम इंडिया के लिए पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। भले ही शुभमन गिल पहले मुकाबले में बल्ले से कमाल ना कर पाए हों, लेकिन दूसरा मुकाबला उनका हो सकता है। साथ ही दोस्तों, ईशान किशन तो कमाल की फॉर्म में चल ही रहे, तो इस फॉर्म को वो यहाँ पर भी बरकरार रखना चाहेंगे। इसके बाद नंबर 3 पर टीम इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव उतरेंगे। सूर्य कुमार यादव ने पिछले मुकाबले में 10 गेंदों पर सिर्फ 7 ही रन बनाए थे, लेकिन इस मुकाबले में वो भी कमाल कर सकते हैं। तो वहीं पर नंबर 4 पर संजू सैमसन उतरेंगे। संजू सैमसन के पास बेहतरीन मौका था, लेकिन पिछले मुकाबले में वो मौके का फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस मुकाबले में उनके बल्ले से जमकर रन देखने को मिलेंगे। तो वहीं पर नंबर 5 पर टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या हमें खेलते हुए नजर आएंगे। हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में देखा जाए तो कमाल का रहा था। गेंदबाजी में 3 ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए, जबकि 29 रनों का योगदान बल्ले से भी दिया था। तो वहीं पर इसके बाद
दोस्तों नंबर 6 की हम बात करें तो यहाँ पर दीपक हुड्डा खेलते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच बने थे, जिन्होंने 23 गेंदों पर 41 रनों की तूफानी बल्लेबाजी की थी, एक चौका और 4 छक्के इन्होंने लगाए थे। तो एक बार फिर इनसे उम्मीद रहेगी कि इस मुकाबले में कमाल का परफॉर्मेंस करेंगे। वहीं पर नंबर 7 पर अक्षर पटेल उतरेंगे, जिन्होंने पिछले मुकाबले में ऑलराउंडर परफॉर्मेंस करते हुए 31 रन बनाए और कमाल की बल्लेबाजी रही और आखिरी ओवर में कमाल की गेंदबाजी भी रही थी इनकी। वहीं पर नंबर 8 पर हर्षल पटेल की जगह पर हम अर्शदीप सिंह को खेलते हुए देखेंगे। तो वहीं पर नंबर 9 पर शिवम मावी, नंबर 10 पर उमरान मलिक और नंबर 11 पर यजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि दोस्तों अर्शदीप की वापसी के बाद भारतीय टीम के लिए दैत ओवर में गेंदबाजी करना और भी थोड़ा आसान होगा, क्योंकि वो काफ़ी शानदार यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं। ऐसे में टीम इंडिया की गेंदबाजी और भी मजबूत होगी। वहीं पर दोस्तों ये मुकाबला महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में 5 जनवरी को भारतीय समयानुसार शाम के 7 बजे खेला जाएगा। इस मुकाबले को आप स्टार स्पोर्ट और हॉटस्टार पर लाइव देख सकेंगे। तो दोस्तों क्या लगता है कौन जीतेगा इस मुकाबले में, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।